मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें SkyMet मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, SkyMet वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 23 मार्च हो चुकी है, ये सुबह का वीडियो है और अगले कुछ दिनों तक तो कैसा मौसम रहेगा इसके बारे में हम लगातार डिस्कस करते रहते हैं। आज भी इसी के बारे में बात करेंगे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसों की इंटेंसिटी आपने देखा होगा कम हो गई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ना के बराबर आए थे, जबकि दिसंबर और जनवरी में इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस बार स्नोफॉल नहीं हुआ और काफी लेट हुआ, फरवरी और मार्च में काफी अच्छा स्नोफॉल देखने को मिला, लेकिन अब जो स्नोफॉल हो रहा है वो बहुत हल्का हो रहा है और केवल ऊंचे पहाड़ों पर। निचले इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें ही दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सीजन में, वैसे वैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट भारत के भूभाग पर कम हो जाता है और ये अपर लैटिट्यूड यानी कि और ऊपर तजाकिस्तान और जो चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान, इस इलाके में पहुंचना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सूरज ऊपर की तरफ आता है तो वेदर सिस्टम भी ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे वो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होने वाले, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मंथ के एंड में फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, अप्रैल में भी आ सकते हैं, क्योंकि इस बार साइकिल थोड़ा सा पीछे की तरफ सरकी है, यानी कि जो दिसंबर जनवरी में आने चाहिए थे वो फरवरी और मार्च में दिखाई दिए हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा पर्यावरण का बदलाव या क्लाइमेट चेंज का असर हमें दिखाई दे रहा है। तो अगले ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये 23 तारीख को पहुंचने वाला है। इससे पहले ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर था, ये जो ये आगे पहुंचा 23 तारीख को इधर आ जाएगा और इसके प्रभाव से 23 और 24 तारीख को पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों पर होगा, निचले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। और एक जो ट्रफ बनेगी इससे, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसके कारण क्या होगा कि पंजाब में आज कुछ इलाकों में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। जो पश्चिमी जिले हैं पंजाब के, वहां पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, बाकी इलाकों में हल्की बौछारें पड़ेंगी। तो अमृतसर से लेकर के जो मोगा है, अबोर, फरजलिका, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर ये जो तरन तारण वगैरह, इन इलाकों में बारिश की संभावना पश्चिमी जिलों में ज्यादा है और बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। हरियाणा, दिल्ली, ये सूखे रहेंगे, शुष्क रहेंगे, यहाँ पर मौसमी गतिविधियां नहीं होने वाली है। और टेम्परेचर अब यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, दिल्ली ये होली के आसपास 34 डिग्री के आसपास होगा और जो दक्षिणी हरियाणा है यहाँ पर भी 33-34 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो सकते हैं। उत्तरी हरियाणा में 30-31 डिग्री का जो तापमान वो बना रहने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर थोड़े से कम बने हुए हैं, अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले अभी कल के यानी कि 24 घंटे पहले हम देख रहे थे कि 30 डिग्री के नीचे टेम्परेचर ज्यादातर इलाकों में थे और बाकी इलाकों में अगर देखा जाए तो ऊंचे टेम्परेचर थे। तो ये पंजाब के कुछ इलाकों से लेकर के हरियाणा और ये जो इलाका है यहाँ बिहार, झारखंड, ये जो इलाका है, ये पूरे इलाके में जो लेस देन 30 डिग्री टेम्परेचर बने हुए थे, ये इस तरह से टेम्परेचर थे, लेकिन अब यहाँ पर तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और गर्मी धीरे धीरे बढ़ जाएगी पूरे इलाकों में। लेकिन मौसमी गतिविधि अभी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये जो तीनों राज्य हैं यहाँ पर अभी दिखाई नहीं देने वाली। इन सारे इलाकों में तापमान बढ़ेंगे, जो तापमान सामान्य से नीचे थे अब बढ़ जाएंगे। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 24 तारीख को जो उत्तरी राजस्थान है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, इन इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां हमें नजर आ रही हैं। एक ऐसा लग रहा है कि एक ट्रफ बनेगी, उस तरह से ट्रफ बनेगी और ये हवाएं इस तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेंगी, जब उल्टी दिशा में घूमती है ऊपर की तरफ उठती है, जो नमी होती है ये अरब सागर से आप देखिए नमी लेकर के आ रही है हवाएं, तो यहाँ पर ये अगर ऊपर उठेंगे तो यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियां बहुत हल्की होंगी, मतलब कोई खास जो आपके जो कटाई वगैरह का काम चल रहा है उसमें कोई ज्यादा व्यवधान नहीं आएगा, बादल वगैरह छा सकते हैं और हल्की बौछारें कुछ इलाकों में हो सकती हैं। बाकी जो इलाके हैं दक्षिणी राजस्थान के, जैसे कि जैसलमेर के दक्षिणी इलाके, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीवाना, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, शुष्क रहेंगे, गर्मी काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश में भी गर्मी अभी बढ़ रही है और कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, सूखी हवाएं चलती रहेंगी, उत्तर पश्चिम दिशा से चलेंगी और यहाँ पर भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात की अगर बात करते हैं तो गुजरात में 40 डिग्री के भी ऊपर टेम्परेचर पहुंचा है, केवल गुजरात शहर है, गुजरात ऐसा राज्य है जहां पर 40 का आंकड़ा तापमान ने पार किया है, सबसे ज्यादा गर्म इस समय गुजरात है। अब राजकोट, अमरेली में 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पहुंच चुके हैं और बाकी इलाके भी काफी ज्यादा गर्म हो रहे हैं, हालांकि यहाँ पर कोई राहत अभी फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र भी अब धीरे धीरे गर्म होने लगा है, यहाँ पर भी कोई वेदर एक्टिविटी अगले 4-5 दिनों तक नहीं रहेगी और मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो मौसमी गतिविधियां हो रही थी पूरी तरह शुष्क हो जाएंगी। हालांकि यहाँ से कुछ नमी आ रही है, लेकिन ये जो नमी है वो गंगे पश्चिम बंगाल की तरफ और उत्तरी जो तटीय ये उड़ीसा है यहाँ पर है, तो उत्तर तटीय उड़ीसा में हल्के बादल छा सकते हैं, गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन उड़ीसा के अंदरूनी इलाके, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। अब गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की बौछारें दिखाई देंगी, काफी हल्की बौछारें, और पूर्वोत्तर राज्यों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां ही दिखाई देने वाली है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो असम के ऊपर बना हुआ है, तो यानी कि कुल मिलाकर के पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत हल्की बारिश, गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश, पहाड़ों पर हल्की बारिश के साथ साथ स्नोफॉल, और 23 तारीख को पंजाब के पश्चिमी जिलों में और 24 तारीख को उत्तरी जिलों में राजस्थान के बारिश हो सकती है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना और ये जो आंध्र प्रदेश है पूरी तरह शुष्क रहेगा, उत्तरी तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका भी सूखा रहेगा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, बेंगलुरु, तुमकुर, चामराजनगर, मैसूर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। कोस्टल जो एरिया है जैसे कि बेंगलोर, कारवार, होनावार, इस इलाके में हल्की बारिश हो सकती है कर्नाटक के, और केरल में भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षिणी तमिलनाडु, पम्बन वगैरह में, नागापट्टनम, तंजावुर, इस इलाके में छुटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। लक्षद्वीप में बहुत दिनों के बाद हल्की बौछारें दिखाई देंगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप तो वो सूखा का सूखा बना रहेगा और काफी ज्यादा गर्म होगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।